जिले के ज्यादातर इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। करीब 2 सेकंड के ये झटके महसूस किए गए हैं। पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी ये झटके महसूस किए गए। न केवल उड़ीसा में ये झटके महसूस किए गए, जो केंद्र है भूकंप का वो उड़ीसा ही बताया जा रहा है। लोग इस दौरान घरों से बाहर निकले हैं, सड़क पर निकले हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर सुकमा में आपको बता दें भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उड़ीसा ही भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। शिवा यादव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, कितनी देर पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, पूरे सुकमा जिला में करीब 11:19 में इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। साथ ही साथ पड़ोसी राज्य उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में भी इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। जी, अभी क्या स्थिति बताई जाती है वहां पर? हालांकि सभी अभी सचेत है और सावधानी पूर्वक अपना घर के अंदर कुछ लोग आना जाना कर रहे हैं, मगर सभी लोग एहतियात के तौर पर जरूर एक घबराहट जरूर गए हैं कि क्योंकि भूकंप अचानक सुकमा में आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा कल देख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।